नमस्कार दोस्तों, आपने अभी तक एचआरएमएस के कई सारे मॉड्यूल देखे हैं और आपने मेरी वीडियो से कई सारे मॉड्यूल के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर ली होगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि एचआरएमएस के भविष्य में आने वाले कौन कौन से मॉड्यूल है, यानी कि इन फ्यूचर में आपको एचआरएमएस के कौन कौन से मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। तो गाइस चलिए यार आज हम बात करते हैं कि एचआरएमएस के कौन कौन से मॉड्यूल अभी आने वाले हैं। इनमें से कुछ मॉड्यूल तो आपको इसी ईयर में देखने को मिल जाएंगे और कुछ मॉड्यूल आपको नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये कौन कौन से मॉड्यूल है जो एचआरएमएस में आने वाले हैं और इनका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। गाइस ये जितने भी मॉड्यूल आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट जरूर करेंगे और ये आपसे सीधे पर्टेन करेंगे। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है जिनको आपको समझना और देखना जरूरी है। हाय गाइस, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोरवाल टेक पर। गाइज आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं कि एचआरएमएस के कौन कौन से मॉड्यूल अभी आने वाले हैं। गाइज अभी तक हमने देखा था कि एचआरएमएस के कई सारे मॉड्यूल 8-9 मॉड्यूल थे जो लॉन्च हो चुके हैं, जो आ भी चुके, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट है पास मॉड्यूल है, आपका पीएफ मॉड्यूल है, ट्रांसफर मॉड्यूल है, ऐसे कई सारे मॉड्यूल है जो आप देख रहे थे, ठीक है ना। अब इनसे भी और बेहतरीन बेहतरीन मॉड्यूल अभी आने वाले हैं जो सीधा आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, यानी कि वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो गाइस इनमें से सबसे वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल जो आने वाला है, जो सीधा की सीधा आपको टारगेट करेगा, वो है लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल। यानी कि अगर आपको अब छुट्टी के लिए भी एप्लीकेशन देना होगा तो वो एचआरएमएस के द्वारा ही सबमिट करना पड़ेगा। एचआरएमएस पर ही आप अपनी छुट्टी का एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और एचआरएमएस पर ही वो सैंक्शन होगी और एचआरएमएस में ही वो आपके लीव रिकॉर्ड में डेबिट हो जाएगी या क्रेडिट हो जाएगी, जैसा भी है वो हो जाएगा। तो गाइस कौन कौन से मॉड्यूल आने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहला तो है हमारा बीओएस, यानी कि बुक ऑफ सैंक्शन मॉड्यूल। बुक ऑफ सैंक्शन आपको पता होगा कि बुक ऑफ सैंक्शन क्या होती है, आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। तो गाइस एक हमारा मॉड्यूल है बीओएस मॉड्यूल, दूसरा है पोस्टमास्टर मॉड्यूल, तीसरा है कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल, फिर है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि जो हमारा यूनियन के साथ जो भी रिलेशन होते हैं वो सारी कार्रवाई भी एचआरएमएस के द्वारा होगी। फिर आता है हमारा रोस्टर मैनेजमेंट, सीनियरिटी मैनेजमेंट, सिलेक्शन प्रमोशन भी एचआरएमएस के द्वारा ही होंगे। लीव का मैंने बता दिया कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल भी आने वाला है। उसके बाद आपका जो सर्विस रिव्यू अभी चल रहा है, सर्विस रिव्यू मॉड्यूल भी एचआरएमएस में आने वाला है। ओएनआर सेटलमेंट, अभी तक हमारे नॉर्मल सेटलमेंट ही हो रहे थे, अब जो ओएनआर सेटलमेंट यानी कि अदर देन नॉर्मल रिटायरमेंट है वो भी एचआरएमएस के द्वारा ही होंगे। एप्लीकेशन ऑब्लिक नोटिफिकेशन मॉड्यूल, यानी कि अगर आपकी कोई भी वैकेंसी, यानी कि अब आपकी कोई भी डिपार्टमेंटली जो वैकेंसी आएंगी वो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको एचआरएमएस में दिखेगा और आपको एचआरएमएस के द्वारा ही उसके लिए एप्लीकेशन भी सबमिट करना होगा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। अब एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की सेटअप भी बनेगा कि भाई कौन कौन सा यूनिट है, कौन कौन सा ऑफिस है, किस किस ऑफिसर के अंडर में आता है, वो सारा एक तरीके से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल भी है, ठीक है ना। अगला आता है सैलरी मॉड्यूल। अभी तक जो हमारी सैलरी बन रही थी वो आईपास से बन रही थी, आगे आने वाले दिनों में जो हमारी सैलरी बनेगी वो एचआरएस के द्वारा ही बनेगी। और उसके बाद आता है हमारा क्वार्टर मैनेजमेंट। अब आपके जो भी क्वार्टर अलॉट होंगे या जो भी क्वार्टर का डिटेल रहेगा वो एचआरएस में रहेगा, एचआरएस के द्वारा ही अलॉट होंगे और वो हमारा कवर करेगा क्वार्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल। और इसके अलावा भी कई और मॉड्यूल आने वाले हैं जिनकी अभी रूपरेखा तैयार की जा रही है, तो मे भी भविष्य में आपको कई सारे मॉड्यूल एचआरएस के देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि बीओएस मॉड्यूल क्या होगा। बीओएस में आपकी बुक ऑफ सेक्शन होगी, आपके रेलवे में जितने भी पोस्ट है सबका लेखा जोखा उसमें रहेगा। पोस्टमास्टर में आपकी जितनी भी पोस्ट है, जितने भी डेजिग्नेशन रेलवे में उनका एक मास्टर रहेगा, सारी पोस्ट उसमें कवर रहेगी। फिर आता है हमारा कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल। कैडर मैनेजमेंट में आपके प्रमोशन, सिलेक्शन, एमएससीपी, ये सारे कुछ मॉड्यूल कवर होके आ जाएंगे। फिर आता है हमारा प्रमोशन मॉड्यूल। प्रमोशन और सिलेक्शन में आपके जितने भी प्रमोशन है, एमएससीपी है, वो सारे कवर होंगे। रोस्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल में आपके जो वैकेंसी का वेटिंग होता है, ठीक है ना, रिजर्वेशन बाई जो वैकेंसी का वेटिंग होता है वो भी रोस्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल के द्वारा होगा। उसके बाद आता है हमारा सीनियरिटी मॉड्यूल। सीनियरिटी मॉड्यूल के द्वारा आपकी जितनी भी सीनियरिटी जारी होंगी वो एचआरएमएस के द्वारा ही जारी होंगी। एचआरएमएस पे आपकी सीनियरिटी बनेगी, वहीं पे पब्लिश होगी और वहीं पे आपको दिख जाएगी, वहीं पे आपको सीनियरिटी के अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन भी देना है, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारा सर्विस रिव्यू मॉड्यूल। सर्विस रिव्यू मॉड्यूल में जो अभी हमारा 30 ईयर की सर्विस और 50 ईयर पूरे होने पर जो हम करते हैं सर्विस रिव्यू,
ठीक है ना, तो वो मॉड्यूल भी अब एचआरएमएस में आने वाला है। उसके बाद है लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल, ये आपको हो सकता है जल्दी देखने को मिल जाए। लीव के बारे में मैं आपको पहले भी बता दिया है कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल में आपकी सारी लीव मेंटेन रहेगी, आपको कोई भी छुट्टी लेनी है तो उसके लिए एचआरएमएस के थ्रू ही एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से वीडियो बनाकर देता रहूंगा। जैसे ही कोई मॉड्यूल आएगा, जैसे भी उसके बारे में कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, मैं आपको जरूर दूंगा। तो जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी वीडियो है उनको सबको देखा करिए, चाहे वो आपसे संबंधित है या नहीं है, आप एक बार उन वीडियोज को जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगी। और गाइस जरूरी नहीं है कि आप अपने काम की नॉलेज लो, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, हो सकता है आप किसी दूसरे की मदद कर पाओ। और गाइज अगर आप मेरी वीडियोस देखे हुए तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, अदरवाइज मैं भी डीमोटिवेट हो जाऊंगा और हो सकता है कि मैं भी वीडियोस बनाना बंद कर दूं। अगर गाइज आप मेरी सारी वीडियोस को देखेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा और मैं इसी उत्साह के साथ आपके लिए वीडियोस बनाकर देता रहूंगा। अगला आता है हमारा ONR मॉड्यूल, यानी कि अदर देन नॉर्मल रिटायरमेंट जो होता है वो अभी एचआरएमएस के द्वारा नहीं हो रहे हैं, तो वो भी अब एचआरएमएस के द्वारा ही होंगे। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन मॉड्यूल, ठीक है ना, कि कोई भी वैकेंसी जब आपकी निकलेगी, कोई भी नोटिफिकेशन जो निकलेगा डिपार्टमेंटल वैकेंसीज का, डिपार्टमेंटल प्रमोशन का, तो वो भी आपका एचआरएमएस के द्वारा ही आएगा। सारे नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर मिलेंगे, वहीं पर आपको फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल होने वाला है। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप मॉड्यूल, जिसमें हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप रहेगा, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है वो सारी इसमें बनेंगी। तो इससे एक प्रॉपर पता लग जाएगा कि भाई कौन सी ऑफिस कहाँ पर है और उसका कौन मालिक है, कौन उसका इंचार्ज है, ठीक है ना, कौन उसका HOD PHOD है, कौन वहां पर पदस्थ है, ये सारी डिटेल हमें वहां पर मिल जाएंगी और HRMS भी फिर इन फ्यूचर उसी तरीके से वर्क करेगा। फिर आता है हमारा सैलरी मॉड्यूल, तो सैलरी मॉड्यूल से तो आप नाम से ही परिचित है कि यहाँ पर आपकी सैलरी बनने का काम होगा, जितनी भी आपकी सैलरी प्रोसेस होगी, जितने भी आपके TA बिल होंगे और कुछ बिल होगा, नाइट ड्यूटी वगैरह होगा, जो भी कुछ है वो सारे की सारी चीजें आपके जो बनेंगी वो HRMS के द्वारा ही बनेंगी। फिर आता है आपका क्वार्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल, क्वार्टर मैनेजमेंट में आपको क्वार्टर अगर अलॉट होना है तो वो HRMS के द्वारा होगा, क्वार्टर से संबंधित कोई शिकायत है तो वो भी HRMS के द्वारा ही होगी। तो क्वार्टर का जितना भी लेखा जोखा होगा वो सारा आपका HRMS के द्वारा ही होगा। तो ये थे कई सारे मॉड्यूल जो मैंने आपको बताए, ये इन फ्यूचर आपके आने वाले, ये में भी जितने भी मॉड्यूल मैंने बताए वो सारे आपको 2023 तक कंप्लीट आपको देखने को मिल सकते हैं, और इनमें से कई मॉड्यूल है जो इसी ईयर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियोज को जरूर देखिए और ट्रांसफर मॉड्यूल से संबंधित और कई सारी वीडियोज अभी आने वाली हैं। तो गाइज एक बार ट्रांसफर मॉड्यूल को प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाने तो मैं सारी प्रोसेस का वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इन फ्यूचर क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं, उस सब की जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई है। तो गाइज मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।